वजीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असेंबली का इजलास कुछ देर बाद होगा। नून लीग की जानिब से मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से राणा आफ्ताब वजारत आला के उम्मीदवार। 327 के ऐवान में नून लीग को 224 अरकान की हिमायत हासिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास 103 अरकान है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस ने वजारत आला के नामजद उम्मीदवार राणा आफ्ताब को मॉल रोड पर ही रोक दिया। राणा आफ्ताब पैदल चलते हुए असेंबली पहुंचे, कहा मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास अरकान की अच्छी तादाद है, सरप्राइज दे सकते हैं। पंजाब असेंबली में मेहमानों का दाखिला बंद कर दिया गया। मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन किसी सूरत में पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ये बिल्कुल रेड लाइन है हमारी। हमें अपना सेल्फ डिफेंस भी आता है और हमें जवाब देना तो खैर बहुत ही अच्छी तरह आता है। आज पंजाब की तारीख का अहम दिन है। एक खातून वजीर आला बनने जा रही है। मरियम नवाज हमारी रेड लाइन है, तौहीन की इजाजत नहीं देंगे। अपोजिशन उनसे मुतालिक पार्लियामेंट में तहजीब के साथ गुफ्तगू करे। नून लीग की रहनुमा अजमा बुखारी कहती है मरियम नवाज रमजान में आम आदमी के रिलीफ के लिए तमाम अरकान की ड्यूटियां लगाएंगी। वजीर आला सिंध का चुनाव भी आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और एमक्यूएम के उम्मीदवार अली खुर्शीदी मद्दे मुकाबल। पीपल्स पार्टी के सैयद मुराद अली शाह को बिला मुकाबला वजीर आला सिंध बनाने की कोशिश। वजीर आला का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास कब होगा? सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर तहाल दस्तखत न किए। इलेक्शन 8 फरवरी को हुए, आइन के मुताबिक इलेक्शन के 21 दिन में इजलास बुलाना लाजमी होता है। साइफर तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाप्त आज होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बानी पीटीआई की सजा मौतली की दरख्वास्तें भी सुनेगी। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड नैप केस में जमानत की दरख्वास्त पर भी समाअत आज होगी। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। बलोचिस्तान के इलाकों चमन, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, मिजाई अड्डा, जंगल पीर अली जई में बारिश। कोजक टॉप, ख्वाजा इमरान और दोबंदी में 8 इंच तक बर्फबारी। यख बस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। हम लोग इधर डीएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोगों को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। पंजाब पुलिस की बहादुर अफसर शहर बानो नकवी ने मुश्तल हुजूम में घिरी खातून को बचा लिया। पुलिस के मुताबिक हुजूम ने अरबी खताती वाला लिबास पहनी खातून को लाहौर के इलाके इछरे में घेर रखा था। सोशल मीडिया पर खातून पुलिस अफसर शहरबानो नकवी की बहादुरी के चर्चे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं शहरबानो नकवी को कायदे आजम पुलिस मेडल से नवाजा जाएगा। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहरबानो नकवी को खराज तहसीन। कहा एएसपी गुलबर्ग ने बहादुरी, अकलमंदी और फर्ज शनासी का मिसाली मुजाहरा किया। तारीख को इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, कास लीग और आईपीपी भी इसका हिस्सा होंगे। 29 तारीख को शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। रहनुमा नून लीग अयाज सादिक कहते हैं कौमी असम्बली में हमारे नंबर 200 तक पहुंच जाएंगे। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी हमारे साथ होंगी। सबकी ख्वाहिश होगी पाकिस्तान के मुफाद पर एक हों। कहा सियासी कैदी अच्छे नहीं लगते, हम किसी से बदला नहीं लेना चाहते। कोशिश करेंगे इल्जाम तराशी के बजाय पाकिस्तान के खातिर सबको जोड़ें। साद रफीक बोले नफरत, झूठ और प्रोपेगेंडे का मुकाबला सिर्फ काम से किया जाएगा। धांधली का ऑडिट कराना है तो 2018 से कराना चाहिए। पीपल्स पार्टी के अवेस कादर शाह स्पीकर,
और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब, दोनों ने 111 वोट्स हासिल किए। स्पीकर के लिए एमक्यूएम की सूफिया सईद शाह को 36 और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार राशिद खान को भी 36 वोट्स मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ उठाया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का बायकॉट किया। अवैध कादिर शाह ने कुर्सी संभालने के बाद अपोजिशन को दावत दी कि माजी में जो हुआ उसको भूल जाएं, आए मिलकर नई शुरुआत करें। हाउस के तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलने का अजम। फरियाल तालपुर ने 9 मुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को पीपी के मफलर भी पहनाए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास बुध को होंगे। 9 मुंतखब अराकीन हलफ उठाएंगे। पीटीआई की कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। जराय का कहना है सूबाई काबीना के लिए मुजवजा नाम मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजे जा रहे हैं। काबीना 15 से 20 अफराद तक महदूद रखने की तजवीज़ है। मुशीरों के लिए हारने वाले अराकीन को तरजीह दी जा रही है। जनरल नशिस्त पर मुंतखब सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद और पावर शेयरिंग के लिए कमेटी बना दी। एमक्यूएम के उसूली मौकफ को नहीं माना जाता तो अपोजिशन में बैठना चाहिए। राबता कमेटी इजलास में अरकान की राय। जराए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी की जेर क्यादत इजलास में नून लीग के साथ मुजाकरात पर बातचीत की गई। राबता कमेटी से हुकूमत के साथ चलने या अपोजिशन में बैठने की राय ली गई। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि उसूली मौकफ है, गवर्नर सिंध को काम करने दिया जाए, आईनी तरामीम भी उसूली मौकफ है। राबता कमेटी नून लीग के साथ मुजाकरात के बाद हतमी फैसला करेगी। राबता कमेटी ने कौमी असम्बली हल्फ बरदारी से कबल नून लीग के साथ मामला तय करने का कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन बेस्ट गोहडे चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार उमर अयूब होंगे। 15 रुकनी पैनल ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 3 मार्च को होंगे। सिंध हाई कोर्ट के वाज़ह अहकामात के बावजूद मुल्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सर्विसेज बहाल नहीं की गई। सिंध हाई कोर्ट ने चंद रोज पहले पीटीए को मुल्क भर में एक्स की सर्विसेज मुकम्मल बहाल करने का हुक्म दिया था। अदालत ने हुक्म दिया था एक्स की सर्विस बगैर किसी खलल और बंदिश के बहाल रखी जाए। सातवीं बैनुल अक्वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में इफ्तिताही तकरीब। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने 60 घंटे तवील मश का इफ्तिताह किया। तकरीब में फौजी मुबसरीन समेत 20 दोस्त मुल्कों की शिरकत। ISPR ने बताया पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मखसूस टास्क पर मुहित पेशा वराना फौजी मश्क है। हकीकी माहौल में चैलेंजिंग मिशन मुकम्मल किया जाता है। मुख्तलिफ हालात में फौरी फैसले किए जाते हैं। ये मुकाबले बाहमी तआवुन के अलावा फौजी महारतों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इसराइली बमबारी के साथ भूख भी गजा वालों की कातिल बन गई। शिमाली गजा में 2 माह का बच्चा गजा न मिलने से फौत हो गया। इमदाद न मिलने की वजह से खुराक का बहरान शदीद। इसराइल के हमले भी जारी। बैतुल्लाहिया में घर पर बमबारी से खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस और रफा पर बमबारी में 25 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा के तकरीबन तमाम अस्पताल गैर फाल हो चुके हैं। मरीजों और जख्मियों के इलाज के लिए दवाइयां खत्म। गजा में शहादतों की मजमू तादाद 29,700 हो चुकी है। गजा के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की 7वीं खेप बजरिया बहरी जहाज रवाना। इमदादी सामान की खेप 300 टन जरूरी अशिया पर मुश्तमिल है। HBL PSL 9 के सनसनीखेज मुकाबले दिफाई चैंपियन लाहौर कैलेंडर्स को लगातार 5वीं शिकस्त।
पिशावर जलमी ने लाहौर को 8 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर 212 रन के ताकों में 6 विकेट पर 200 रन बना सकी। वेंडी डॉसन की शानदार सेंचुरी रायगा गई। पिशावर जलमी ने पहले खेलकर सीजन 9 का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। पिशावर जलमी के नौजवान ओपनर साइम अयूब ने 88 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स ने कोटा ग्लैडिएटर्स की फतवाहत को ब्रेक लगा दिया। होम ग्राउंड पर अपने आखिरी मैच में 13 रन से कामयाबी हासिल की। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर। लाहौर में शानदार परफॉर्मेंस दिखाने के बाद कराची किंग्स की टीम होम ग्राउंड पर परफॉर्म करने के लिए तैयार। खिलाड़ी लाहौर से कराची पहुंच गए। इवेंट में किंग्स का अगला मुकाबला 28 फरवरी को इस्लामाबाद यूनाइटेड से शहर कायद में होगा। 29 फरवरी को कराची और कोटा ग्लैडिएटर्स की टीमें नेशनल स्टेडियम में टकराएंगी। शाइन की परफॉर्मेंस आज तो बेहतर थी और दूसरे मैचों में इतनी अच्छी नहीं है। आज 7 बॉलर यूज करें। बैटिंग ऑर्डर में देखें प्रॉब्लम है, आपके पास सिकंदर पड़ा हुआ है, ब्रैथवेट पड़ा हुआ है, आप एसन को भेज रहे हैं और जानदाद को भेज रहे हैं, सिकंदर रजा को सही तरह इस साल यूटिलाइज नहीं कर रहे। पीएसएल का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पोशो। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा शाहीन और हारिस की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, टीम का मोराल नीचे गया। शाहीन ने 7 बॉलर इस्तेमाल किए, सिकंदर रजा से बस एक ही ओवर कराया। कामरान अकमल कहते हैं लाहौर के बैटिंग ऑर्डर में मसाइल है। पिशावर के साइम ने जबरदस्त बैटिंग की। दोनों कप्तानों को अपनी बॉलिंग पर एतमाद नजर नहीं आ रहा। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल, कहा लॉर्ड्स में इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच की कमेंट्री मेरे लिए एहसास है। लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस लाहौर में नूली की परफॉर्मेंस से खराब है। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा अली अमीन गंडापुर का आदि के साथ मिलकर महफिल को जाफरान जार बनाए रखा।